अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जीम हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दो तरह के नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ, से नफ्स में पावर, मजबूती और सख्ती आ जाएगी, और लोहे जैसी सख्ती। नहायत ही आजमूदा नुस्खा है, एक बार आप जरूर आजमाएं इस नुस्खे को और फिर रिजल्ट से मुझे आगाह करें। आप किसी भी उम्र के हिस्से में मौजूद हैं, आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आपके वजू में सख्ती ना आए तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये करेगा क्या। ये आपके नफ्स में सख्ती पैदा करेगा, मर्दाना ताकत को ज्यादा करेगा, दुगना करेगा, आपकी मनी की पैदावार में इजाफा करेगा जिससे आपकी टाइमिंग ज्यादा होगी। अदरक और लहसुन के वैसे ही खाने से जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनको आप शिकस्त दे सकते हैं, खासतौर पर जो मौसमी अमराज हैं। और फिर शहद खालिस, मौत के अलावा हर मर्ज की दवा शहद में भी मौजूद है। शहद का इस्तेमाल आप करें। उसके बाद जो चीजें मैं आपको बताने के आ रहा हूं, निहायत ही कीमती नुस्खा है। 100 ग्राम अदरक, ताजी अदरक होनी चाहिए, 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम शहद खालिस। शहद आप मेरे जितने भी बैरून मुल्क में वो व्यूवर्स मौजूद हैं, अगर आपको शहद छत्तों वाला नहीं मिलता, पैकिंग में मिलता है, पैकिंग में ले लें, जो खालिस आप समझते हो खालिस शहद है, आप वो ले लें और उसे इस्तेमाल करें। अब आपने करना क्या है कि अदरक और लहसुन और शहद, ये तीन चीजों को मिलाना है। मिलाना किस तरीके से है, पहले अदरक को ग्राइंडर में डालकर उसे कूट लें, बारीक पेस्ट बना लें, फिर उसी तरह लहसुन का पेस्ट बना लें। दोनों चीजों का पेस्ट जब बन जाए उन दोनों को मिक्स करें, मिक्स पर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि लहसुन और अदरक दोनों यकजान हो जाएं। उसके बाद आपने 100 ग्राम शहद खालिस, कोई भी छोटी बड़ी मक्की का अगर बेरी का शहद मिल जाए, सोने पे सुहागा हो गया, नुस्खा मुकम्मल हो गया। आपने शहद उसमें मिलाकर अच्छी तरह हिला लें ताकि शहद इनकी हर जगह जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद मकदार खुराक आपने कितनी इस्तेमाल करनी है, उस पेस्ट में से जो आपने ये माजून तैयार की उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर आपने एक गिलास दूध खालिस, कोई भी दूध ले लें, अगर खालिस दूध नहीं मिलता आप पैकिंग का दूध, वो दूध जो आप समझते हो कि खालिस है, आपने उससे ले लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस अमल के दौरान परहेज किन चीजों से करना है। सबसे पहले फास्ट फूड, चिप्स, पिज्जे और ये चीजें, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी। उसके बाद तली हुई खट्टी अशिया, ये आपने परहेज करना है। उसके बाद आप ये नुस्खा अगर आपको रिजल्ट ना दे तो आप जो मुंह में आपके आए मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये खुद का आजमूदा नुस्खा है, इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप भी इससे इस्तेफादा हासिल करें।